No, I'm audible. Can you hear me now? If you can hear me, don't write yes or no. Just write first 20 elements में से किसी भी पांच element को आप मुझे नाम लिखिए उसका. Write its symbol, atomic number and mass. So write atomic number and mass of any five elements. फटाफट लिखिए इसको. दिस इज योर क्वेश्चन. यस. सो वंस यू आर आंसरिंग आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर आई एम लाइक आई एम ऑडिबल और वट एवर. जस्ट राइट दिस थिंग. वेरी गुड. Today we are going to study that chapter, which is about inside the atom. फटाफट लिखो बच्चों. श्यामानंद कांटे. श्यामानंद तुम क्या कर रहे हो? ये तो अपना सेवेंथ क्लास है. अच्छा इट्स आई थिंक ईश्वरी जगताप. Why eighth class students are joining it? So this is seventh standard class. So वो गलती से join किया मैंने. So this is seventh standard class. Please, I request. I was surprised how 7th standard directly 9th participants कहां से आ गए. मैंने देखा आपने आंसर कर दिया. सो बच्चों यू डोंट हैव टू राइट हियर. यू कैन राइट इट ऑन योर नोट पैड एंड सेंड मी इमेज. आप डायरेक्ट इस जहां पे हमारा ये चैट सेक्शन है आप डायरेक्टली इस चैट सेक्शन में इमेज भी भेज सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट अदर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड हाउ दे आर ज्वाइनिंग. आई हैव टू रियली कंसल्ट टू सुजय सर. बाय बाय. प्लीज डोंट डिस्टर्ब आवर दे. इनका बिचारों का सेवन में एट पढ़ रहे लोग. इनको स्ट्रेस मत दो. सर इट्स कमिंग इन आवर लाइव क्लास सेक्शन. ओके यू हैव टू रिपोर्ट इट टू आई थिंक यू हैव टू रिपोर्ट इट टू दिग्विजय सर और सुजय सर. ऑब्वियसली शुड नॉट कम इन यूर लाइव सेक्शन क्लास. देर इज सम इशू सम प्रॉब्लम. सो अगेन आई रिपीट दिस इज सेवन स्टैंडर्ड का क्लास चल रहा है ये. सो ऑल अदर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज लीव दिस क्लास. दे डोंट नीड टू बी हेयर. वी आर गोइंग टू डिस्कस डाल्टन्स एटोमिक थियरी. सो इट इज नथिंग टू डू विथ यू. ओके सो बच्चों कमान.
समर्थ प्लीज आंसर, फटाफट आंसर करो। विश्वजीत यू हैव जस्ट आंसर वन। आई एम अगेन गिविंग यू सोल्यूशन दैट यू डोंट हैव टू टाइप हियर। अगर आपको टाइपिंग टाइम लग रहा है, जस्ट राइट डाउन इन नोटबुक एंड सेंड मी इमेज। इसके ऊपर डायरेक्ट चैट के ऊपर आप मुझे इमेज भेज सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सेंड मी इमेज ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। समर्थ ओके, सो एनीथिंग यू कैन डू। समर्थ बोरॉन ओके गुड। सी ये दो क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्टिंग में पूछता हूँ ना, आई ओनली आस्क यू सो दैट एवरीवन इज ऑन देयर। अभी मुझे समझ, अभी स्टिल सेवन पार्टिसिपेंट्स आर देयर। यश, आर्यन, समर्थ, प्रियंका, दिलीप। प्रियंका यू आर नॉट ऑफ दिस स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आई थिंक, प्लीज यू कैन लीव दिस क्लास। सो एनी वे, सो अभी तक मुझे, अभी भी मुझे सब बच्चों से आंसर नहीं मिला। आई वॉन्ट एवरी वन, एवरी स्टूडेंट टू पार्ट आंसर। आर्यन अभी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहा था अभी तक, क्या नाम था इसका, सो आई वॉन्ट हिम टू आंसर टूडे। ही हैज नॉट अटेंडेड एनी लाइव क्लास टिल नाउ। आर्यन, आर्यन अटेंड है, आर्यन कर रहा है। आयुष, आयुष इज एबसेंट। आयुष वेर आर यू आयुष। सर माई फाइव एलिमेंट्स आर कंप्लीट, यस बेटा मैंने देखा। यश, यश यू आर फ्रॉम एट स्टैंडर्ड, प्लीज दिस इज नॉट क्लास फॉर यू, दिस इज सेवन स्टैंडर्ड क्लास। आई अगेन रिपीट, इर्शाद कश्मी ज्वाइंड, आई डोंट नो व्हिच स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन, आई हैव टू आस्क सुजय सर इटसेल्फ। নমস্কার, কোভিড-19 আনলকের প্রক্রিয়া এখন সারা দেশে শুরু হয়ে গেছে। এই সময় নিজের বাড়ির বাইরে তখনই বেরোবেন যখন খুব বেশি প্রয়োজন হবে। ফেস কভার বা মাস্ক পরার সময় লক্ষ্য রাখবেন যে মুখ আর নাক যেন ভালোভাবে ঢাকা থাকে। সার্বজনীন জায়গায় কমপক্ষে 2 গজের দূরত্ব রাখবেন। রিয়া নরেন্দ্র পাওয়ার জয়েন্ট, পালন করুন। হ্যাঁ সুজয় স্যার, সুজয় স্যার দেখো মেরে 7th কা ভি ক্লাস হ্যায়, উসমে হামারে সিফ 5 হি স্টুডেন্ট হ্যায়, लेकिन 8th के बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, 9th के बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनको लाइव सेक्शन दिख रहा है, वहां पे लाइव आ रहा है उनका क्लास। आप किसमें ले रहे हो? मैं अपना इम्पार्टस में ले रहा हूँ, और किसमें, मेरा अपना लाइव सेक्शन जो है उसमें 7th स्टैंडर्ड का, उसमें ले रहा हूँ मैं। उसमें सब्जेक्ट पार्डन यही केमिस्ट्री अपना। नहीं नहीं नहीं, वो सब्जेक्ट का नाम है ना, वो क्या आ रहा है, 7th का क्या आ रहा है, कहां पे आ रहा है सब्जेक्ट का नाम, एक मिनट, यहाँ ज्वाइन करते वही सब्जेक्ट का नाम। हाँ, यही ना 7th CIS, उसमें 9th का बच्चा है। हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से आ गया इसमें। अभी शामन काटे वो सब ने, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि हमारे सर इसमें दिख रहा है कि ये आपका भी लाइव क्लास चल रहा है, तो और भी बच्चे ज्वाइन किए थे अलग 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 प्रांतों से। देखता हूँ ओके ओके बच्चों, आई थिंक मैंने सर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, सो ही विल रिजॉल्व दिस इशू जो भी हमारा है ये, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो हमारा जो टॉपिक है बेटा आज, जो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अगर आप देखेंगे जो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना बच्चों, ये जो मैटर के बारे में ना, मैटर हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, इसके बारे में बहुत रिसर्च हो चुका है, मैनी पीपल हैव रिसर्च ए लॉट अबाउट इट। शांतनु दलवी, दिस इज नॉट योर क्लास, दिस इज आई थिंक 7th क्लास, आई थिंक देर इज सम मिस्टेक इन मैपिंग। साहस फोरसोले, साहस तुम तो यार 10वीं में, हम डाल्टन एटोमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। सो दिस आई अगेन रिपीट, दिस इज 7th क्लास, अदर स्टूडेंट्स प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लीव दिस क्लास, दिस इज नथिंग टू डू विथ यू। सो वट वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन बेटा मैटर के बारे में हमेशा एक उत्साह रहा है जानने के वजह, ये मैटर है क्या। सो जो सबसे फर्स्ट पर्सन जिसने एक कुछ इंसाइट दिया मैटर के बारे में वो था डेमोक्रिटस, वॉज द फर्स्ट मैन हु प्रपोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उसका नाम क्या था, डेमोक्रिटस। सो प्लीज बच्चों मेरे साथ यू कैन जस्ट कीप राइटिंग द फर्स्ट पर्सन, मुझे तो ऐसा लग रहा है टाइपिंग ही ज्यादा अच्छा है।
फर्स्ट पर्सन जो था उसका नाम था डेमोक्रिटस. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली फर्स्ट मैन हु प्रपोज्ड दैट द मैटर इज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. आई कैन सी यू हैव रिटन ऑल एटॉमिक नंबर्स बट नो फोकस हियर. राइट, फटाफट टाइप करो डेमोक्रिटस सो दैट यू आर विथ मी. टाइप डेमोक्रिटस सो आई नो ऑल ऑफ यू आर विथ मी. Type whatever, if you can see my screen, please type it. Ha, Democritus, very good. So he was the person who actually, you know, was the first person who proposed that the matter is made up of particles. So he, and usne kya kiya, usne in these particles, usne usko naam diya tha, atomos. Uska meaning kya, atomos ka meaning hai, indivisible. Matlab usko divide nahi kar sakte. Very good. So first person. So this was Democritus atomic theory. So due to lack of, you know, technological, उस समय उतना नहीं था. Scientists have very limited information about this theory. उस समय हमारे पास ये बड़े बड़े माइक्रोस्कोप नहीं थे जहां पे हम एटम को भी देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं. अभी भी आप एटम को नहीं देख सकते हैं. You can just see electron cloud or something. Sir, we want to write. Kartik, what you want to write? Yes, you have to keep writing whatever I'm writing on this board. You can see my board. If you can see my board, please write last word what I have written it on the board. Write atomos if you can see my board. Very good. तो ये पहला आदमी था. ओके, तो ये डेमोक्रेटस के बाद एक्चुअली एक इंडियन सेज भी थे जिनका नाम था वैशेषिका. मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था. एक्चुअली व्हाट, व्हाई कांट आई जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज एटॉमिक टाइमलाइन. आई कैन फाइंड फॉर यू. So just give me a moment. This is very interesting. I want to show you. So, abhi tak you followed me. How Democritus was the first person. No, let's move a little ahead. Okay, now here comes the main thing which I want to discuss with you. You need me to zoom it, or aap ye dekh sakte hain. You want me to zoom it, this image which is right now I displayed, or you want, or you can see it. Sir, zoom. Main kya karta hu, main aapko individually bhej deta hu, usko save kar lena apne paas. हाँ, तो देखो बच्चों कैसे शुरुआत कैसे हुई ना, ये सब हम पढ़ेंगे आगे. देखो ये पहला बंदा था, इसका नाम था डेमोक्रिटस जो मैं आपको भी बता रहा था. ही वाज द फर्स्ट पर्सन. अभी आप यू कैन रीड विथ मी. सर कैन वी रोटेट मोबाइल फोन. रोटेट क्यों करना है, आपको सीधा दिख रहा होगा ना. Now you can see this image. Yes, sir. Okay. Can you read? Can you read this? Yes, sir. Okay. So now he was the first person whose naam kya tha? Democritus. So he was the first person
Why my video was off? I don't know. My audio, you can hear me? Yes, sir, we can read. Okay. So, beta, he was the first person, uska naam kya? Democritus. So, he was the first person who actually, maine bola na, he proposed that all the matter, which included space and time, was made up of small units. और इसने उसको नाम एटमोस दिया था, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला, उसको नाम क्या दिया था? एटमोस दिया था, जिसको हम एटमोस का ग्रीक वर्ड मीनिंग क्या है? इंडिविजुअल्स. तो देन दिस एटमोस ही प्रपोज, बट ही डिड नॉट हैव, ही डिड नो एक्सपेरिमेंट एंड हैड लिटिल एविडेंस, बट आइडिया वॉज कैप्ट बाय ऑन बाय वन मोर साइंटिस्ट विच वाज ल्यूक्रेटियस, उसका फॉलोअर. तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली, उसके बाद हमारे एक एक्चुअली हमारा एक वैदिक इससे पहले, एक्चुअली इवन डेमोक्रेटस से पहले, अगर आप 16th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में जाएंगे, 6th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये तो अभी भी है, दिस इज जस्ट 460 बीसी है, बिफोर क्राइस्ट एक्चुअली. तो उसमें एक कन्नड़ करके हमारे ऋषि थे, जिन्होंने थेरी दिया था एटोमिक थेरी, वो वैशेषिका थेरी दिया था उसमें, दैट इज थेरी अबाउट एटोमिक थेरी. तो उस समय भी उन्होंने प्रपोज किया कन्नड़, एक्चुअली आप देखेंगे वर्ड कन्नड़ वर्ड, उसमें कन्नड़ मतलब कन्न, छोटा छोटा कन्न. तो दैट इज हाउ दिस होल थेरी ही टोल्ड, कन्नड़ उसका नाम ही रख दिया था, कन्नड़ कन्नड़ ऋषि बोलते थे उसको, उसका नाम ही कन्नड़ रख दिया था. तो ही गेव द वैशेषिका फिलोसफी, जिसका एक्चुअल इंग्लिश वर्जन इज द एटॉमिक थेरी. सो आफ्टर दैट ऑब्वियसली डेमोक्रेटस गेव, विच इज यू कैन सी ऑन द टाइम लाइन. आफ्टर डेमोक्रेटस देर वॉज, इफ यू सी आफ्टर अराउंड 1000 years से ज्यादा, then came person known as Dalton. तब इसकी एंट्री हुई, इसकी Dalton की एंट्री हुई, जो हम आज पढ़ेंगे इसका. So this Dalton came, yes. So what he did, agreed that all matter was created by atoms. He agreed, obviously वो पहले ही बता दिया था, which he believed were indestructible. अभी इसने अपना कुछ theories दिया. He also stated that the compound are created by combining two atoms, and the atoms are given, elements are identical. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप सिर्फ टाइमलाइन पे फोकस करो. सबसे पहले डेमोक्रेटस ने मुझे दिया, उसके बाद डाल्टन ने दिया, एटम के बारे में कुछ बताया. फिर डाल्टन के बाद में भाई कौन आया? फिर मेंडेलीव्स आया, इसने कुछ पीरियोडिक टेबल दिया, यू नो जस्ट सम इन एटम की, एटम के रिलेटेड कुछ तो इसने भी बोला. एंड आफ्टर मेंडेलीव्स केम Goldstein. He also gave some discovery. He discovered positive particles. क्योंकि एटम सिर्फ एटम नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पता नहीं था डाल्टन को, लेकिन फिर Goldstein थे जिसने बताया नहीं भाई पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं. He noted that the particles have charge and equal to the opposite to their electrons. ये भी उसने बताया. फिर Henry Becquerel आया, इसने discovered by radioactivity. इसने radioactivity discover किया uranium. उसके बाद J.J. Thomson आए, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, देखो 18 कब डिस्कवर हुआ, एटम कब पता था हमको, एटम तो हमको डेमोक्रेटस से पता था, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन देखो कब निकला, 1897. सो ऑलमोस्ट 100 इयर्स पास हो गए ऐसे. उसके बाद रदरफोर्ड आए, इन्होंने एक्चुअली हमको क्या दिया, न्यूक्लियस. ही टोल नहीं, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर है बच्चों. फिर आया मिल्कन, ही यूज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इसने चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का, कितना चार्ज होता है. And then came Niels Bohr. He gave the structure, atomic pura shell, कैसे electron revolve करते हैं. फिर Frederick, he came the concept of isotopes, explain the Ernest Rutherford that radiations are due to transmission of elements. Then came Heisenberg, uncertainty principle इसने दिया. फिर Cadwick, he actually discovered neutron. Neutron अगर आप देखेंगे 150 years मतलब pass हो गए हैं, you know 130 years almost. तब जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर. सो इट ऑलमोस्ट मोर देन 100 इयर्स इट टुक जस्ट टू डिस्कवर अबाउट एटम. आप समझ रहे हैं, इतने साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत की है इसके पीछे, दे हैव वर्क्ड हार्ड जस्ट टू अंडरस्टैंड एटम. और वही आपको बस यू नो जस्ट इन 5 मिनट्स यू विल बी ओ अंडरस्टैंडिंग, ओके डाल्टन ने ये बोला, जे.जे. थॉमसन ने बोला. तो लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन इन टू जस्ट सो मेनी साइंटिस्ट, सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैव डन जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस matter and this atom. अभी तक क्लियर है आपको? सो प्लीज राइट फटाफट, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, उसका नाम लिखो फटाफट. हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, फटाफट टाइप करो बच्चों.
कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो, प्लीज टाइप हु डिस्कवर न्यूट्रॉन. एडविक, ओके, वेरी गुड. इमेज कहाँ चली गई? एक ही ने आंसर दिया, बाकी किधर है? ओमकार, वेरी गुड. आप लोगों को इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही? मैं वापस अपलोड करता हूँ, कुछ तो लफड़ा हुआ लगता. हाँ यार, हाँ अभी मैं वापस इमेज डाल दी. हाँ, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? फटाफट आंसर दो. ओके, न्यूट्रॉन सबने आंसर दे दिया मुझे. अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? नहीं बेटा, जे जे थॉमसन ने किया डिस्कवर. वो पॉजिटिव पार्टिकल्स निकाले उसने, प्रोटॉन. विश्वजीत, जे जे थॉमसन इज द राइट आंसर. ओके सर, वेरी गुड. सो नो, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. दिस इज अवर टॉपिक, पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी. हाँ कार्तिक बेटा, क्या डाउट है आपका, बताओ फटाफट. टाइप योर डाउट फास्ट. वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक, हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी. हार्दिक बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. श्रेया, वाई यू आर ज्वाइनिंग श्रेया? ऑल ऑफ यू कैन से वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. ऑल आर यू विद मी? फर्स्ट पॉस्टुलेट वॉज द मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स नोन एज एटम. ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था डाल्टन का. दिस वॉज द फर्स्ट पॉस्टुलेट. मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच इज नोन एज एटम. ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था किसका? हमारे डाल्टन का. लिख दिया, फटाफट लिखो.
फिर जो दूसरा पोस्टुलेट था वो था द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सेम इंक्लूडिंग देयर मास। बाहर जा रहा है इसलिए मैं इसको छोटा कर दिया। नोट डाउन कर लिया बच्चों? सर स्क्रीन इज सीन बिग, अभी ठीक है ना? मैंने छोटा कर दिया टेक्स्ट का साइज। And then the third postulate was atoms of different elements combine in fixed ratio to form compounds. This is the second postulate. Atoms of different elements combine in fixed ratio to form compounds. Then third is I will write it again. Atoms are neither destroyed nor created. Atoms हैं, उनको ना आप destroy कर सकते हैं ना आप उनको create कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? This implies that during chemical reaction, no atoms are created or destroyed. That's what it implies. Atoms are neither created nor destroyed. उसका मतलब क्या है? This implies that the during chemical reaction, no atoms are created nor destroyed. कुछ creation नहीं होता, वो उधर वही हैं जो इधर से उधर उनका बस they are rearranged. That is what it happens. They are just rearranged. That's what is our next point. Next point is about the formation of new product or your compound bolte hain isko, jo form banta hai naya, the formation of new compound, it is what is results from the rearrangement of existing atoms. That's what it happens. It just results from the rearrangement of existing atoms. Hope you are able to see all these things.
सबको ऊपर खींच लेता हूँ मैं, सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन एंड दिस इज पॉइंट्स। सो यहाँ तक क्लियर है बेटा? सो दीज आर डिफरेंट पॉस्टुलेट्स। अभी हम एक एक पॉस्टुलेट्स को विल डिटेल डिस्कस दिस पॉस्टुलेट्स। सो विल डिस्कस देम अगेन। सो यहां तक आपने नोट डाउन, यू नोटेड डाउन ऑल विश्वजीत, हु आर ऑल स्टूडेंट्स हियर? ओके ओके। सो यू कैन एक्चुअली डाउनलोड दिस होल पीपीटी ऑल्सो, यू नो जो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, सो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ यू हैव टू कैन जस्ट डाउनलोड होल पीपीटीज। कैन यू डू दैट? मतलब फॉर मी इट्स ऑप्शन, प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल कैन डू दैट। जो लेफ्ट में सबसे लास्ट में जो आता है ना, लेफ्ट में सबसे नीचे एरो करके आता है, एरो करके आता है एक, you know you can just you have to click that, you will download whole ppt. let me know if you can do that. if you are not able to do that, I can do that and send it to you. because for me its option is coming. left mein let me share my whole screen, to main aapko dikhata hu. ye note down kar liya pehle aapne bachcho, these are different postulates. the matter is made up of individual particles known as atom. The properties of all atoms of a given element are same including their mass. then atoms of different elements combine fixed ratio to form compound. okay, atoms are neither created nor destroyed. this implies that during chemical reaction no atoms are created nor destroyed. the formation of new product jo hai wo results in the rearrangement of existing atoms. so these are all postulates of Dalton atomic theory basically. so atoms of elements are identical in mass, you know, in many other chemical and physical properties, but atoms of different elements have different mass, size and many other chemical properties or physical properties. agar aap log ne note down kiya, then we can actually start discussing one by one all points in detail. Noted all postulates. other students also have done the same, please let me know. beta abhi humne sirf postulate likha, abhi hamare har ek postulate ko hum uthayenge and we'll discuss. like the matter is made up of individual particles known as atom. iska kya matlab hai? that's you know how we are going to discuss.
सर वी कैन डिस्कस बिकॉज 9 मिनट्स। हाँ डोंट वरी अबाउट दैट, हम आज सिर्फ डाल्टन ही कर रहे हैं। आई विल, मैं एक और पिक्चर फॉर योर ईज, आई जस्ट देखो इन डाल्टन, ये शॉर्ट में आप समझ लो, आपको समझ गया पूरा डाल्टन, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है बेसिकली और मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ये टोटल मेन 5 पोस्टुलेट्स हैं, माय मेन 5 पोस्टुलेट्स, बस याद रखो बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है ये आपको, आर यू एबल एबल टू सी इट और शुड आई मैक्सिमाइज इट मोर, यू आर एबल टू सी इट, से यस। यस ओके, सो लिसन हियर, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये हो गया क्लियर, दिस इज क्लियर। मतलब आप कुछ भी ले लो, कोई भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, एनी ऑब्जेक्ट इफ यू टेक, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन फाइनली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, क्या बताया गया पॉस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हाँ स्क्रीन गॉन बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो ये छोटा छोटा कुछ एटम से बना हुआ है, कुछ भी बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनाया है जिसको हम एटम बोलते हैं, इसको हम एटम बोलते हैं। जैसे अगर आप एक वॉल ले लो, वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मैं वॉल ले लेता हूं, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ब्रिक्स, ब्रिक, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल। सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सबस्टेंस जो भी है वो एटम है। दिस वॉज डॉल्टन फर्स्ट पॉस्टुलेट, ये उसका फर्स्ट पॉस्टुलेट था, दिस इज फर्स्ट पॉस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इज दिस क्लियर, इफ इट्स क्लियर राइट क्लियर फास्ट, फर्स्ट पॉस्टुलेट इज क्लियर। ओके देन आई विल गो टू द सेकेंड पॉस्टुलेट नाउ। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है हमारा, ये है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एटम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों वो बताता हूँ आपको। ये आपने पढ़ लिया पोस्टुलेट टू क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एलिमेंट्स एटम्स। इसका मतलब है समझ लो, मेरे पास एलिमेंट ए है, मेरे पास एलिमेंट ए है और मेरे पास दूसरा एलिमेंट है वो भी ए ही है, तो उसका कहना क्या है, इसका जो एटम साइज है या इसका जो, ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन अगर मैं एलिमेंट बी ले लूंगा ये डिफर करेगा, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका मास, सब कुछ डिफर करेगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए, विल नॉट बी इक्वल टू बी, दैट इज व्हाट दिस पोस्टुलेट सेज। टू, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, जो एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, लेकिन अगर वो डिफरेंट अदर एलिमेंट होगा तो वो आइडेंटिकल नहीं रहेगा। यहां पर क्लियर हुआ, अगर आपको क्लियर, राइट पॉस्टुलेट टू, राइट पॉस्टुलेट टू इफ इट्स क्लियर। आर्यन यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, वेयर इज आर्यन, आर्यन गावड़े व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आर्यन, तुमको कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अटेंड कर रहा है क्लास कि नहीं कर रहा है, कि मोबाइल लगा के रख दिया और तुम गेम खेल रहा है, तुमने मुझे एक भी रिप्लाई नहीं किया अभी तक आर्यन। आर्यन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो यस क्या मतलब, आंसर लिखो ना, पॉस्टुलेट टू बोला मैंने टाइप करने के लिए आपको, फटाफट टाइप करो। देन पॉस्टुलेट थ्री इज व्हाट, एटम्स आर आइडेंटिकल इन इन डिवाइजिबल पार्टिकल्स, एटम्स आर इन डिवाइजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दे आर इन डिवाइजिबल पार्टिकल्स, उसको आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम और क्रिएट देम। एटम्स आर, व्हाट आर दे, इधर ही करता हूं,
एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स, मतलब अगर आपने ए एटम लिया, इसके एक एटम है, फिर बी एटम लिया, इसका कुछ रिएक्शन हुआ, सीओ डी बना, ये एटम सेम रहेगा, इसमें कुछ ये बस रीअरेंज होंगे, बट इसमें ऐसा नहीं कि ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा दे, और ऐसा नहीं कि बी का एटम गायब हो जाएगा। पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दे विल रिमेन सेम, दिस इज पोस्टुलेट 3। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, जैसे कौन सा एग्जाम्पल है इसका बच्चों? ये पूरा हटेगा यहां से, हाँ ये चला गया ऊपर, नहीं तो इसको डिलीट कर देता। वेरी गुड, ये हो रहा है। हाँ अभी ये जो एग्जाम्पल बेटे, ये पता क्या है, ये जो है आपका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, होल नंबर मतलब इंटीजर, मतलब एच टू कंबाइन करेगा ओ के साथ, क्या बनता है फिर वो, एच टू ओ, समझ रहे हैं? आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे एच 2.5 रिएक्ट्स विथ ओ 0.5, ये कभी नहीं आप देखेंगे, यू विल नेवर सी दिस, हमेशा हम एच टू इंटीजर फॉर्म में ही देखेंगे। तो बस रहा क्या, आर्यन शो थर्ड, क्या हो गया, कहां पे सोया है तुम? डोंट वरी, मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो भेज दिया, फोटो ही भेज दिया मैंने, सब पांच कर रहा। एच टू प्लस ओ इज कॉल्ड एच टू हो ना बेटा, विश्वजीत क्या लिख रहे थे? ओके सो नेक्स्ट, ये समझ गया आपको। फिर लास्ट है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो फॉर कंपोजिंग कंपाउंड एटम्स, जैसे NaCl, अलग अलग, समझ रहे हैं आप, मोर देन वन रेशियो में कंबाइन होते हैं वो। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉस्टुलेट, हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड बचे हैं, तो जस्ट टू रिकैप ऑल ऑफ यू, आपको कोई डाउट है वी कैन डिस्कस अगेन इन नेक्स्ट क्लास, दिस आर ऑल अबाउट पॉस्टुलेट्स, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस पॉस्टुलेट्स एंड राइट नीटली एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो। जो भी कुछ डाउट है आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। बाय।